कि वीडियो में प्रॉब्लम देखने वाले हैं कि जो मशीन के अंदर पानी नहीं आ रहा है, ये इशू फेस कर रहा था। सिम चालू करके देखते हैं और ये लोडेड हो रहा है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा है, नो वाटर फ्लो। ये 9 kg की मशीन है, इसमें नल चालू है, पाइप भी लगा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। टाइम स्टार्ट हो गया फिर भी पानी अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब या तो इनलेट वॉल में कचरा अटका होगा या फिर इनलेट वॉल ख़राब होगा। ठीक है, देखते हैं चेक करके। नल बंद कर देते हैं, पाइप ओपन करते हैं। ये पाइप ओपन कर दिया, पहले हम इसका फिल्टर चेक कर लेंगे, कहीं इसमें कचरा होगा तो भी पानी अंदर नहीं आता है। ये तो क्लीन है, बैक साइड का पैनल खोलना पड़ेगा, शायद इनलेट वॉल ख़राब हो। ये स्क्रू है, 4 स्क्रू खोलना पड़ेंगे और नीचे 2 स्क्रू आते हैं, 5 नंबर का और 6। ये पैनल खोल दिया, ये 3 वॉल दिए हैं, उसमें बीच वाला वॉल जैसे आप देख रहे हो फूटा हुआ है, मतलब क्रैक हुआ है, ये शायद हाई वोल्टेज की वजह से हुआ है, इसलिए पानी नहीं आ रहा था अंदर। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जो वॉल चालू है वो अदली बदली करके उसको चेंज कर सकते हो, एक वॉल दूसरे में और दूसरा पहले में लगा के तो भी चालू हो जाता है। ये जैसे देखा आपने अभी, हमने वही किया था, जो चालू वॉल था उसको बंद वॉल की जगह लगा दिया और बंद वॉल को चालू वॉल की जगह। ये भी पानी अंदर ले रहा है। थैंक यू गाइज़।